हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि मेंस के 3 घंटे में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर मैक्सिमम आ सके CGPSC मेंस में। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बिगनिंग के जो स्टेप्स होते हैं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि जो 3 घंटे जिसमें आप एग्जामिनेशन में पहुंच रहे हैं उसके पहले से आपका एक टेम्परमेंट, आपका एक मोमेंटम सेट हो जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्पेशली इस जुलाई वाले मेंस में ये है कि 45 डिग्री की गर्मी होगी। आपको टाइम पे पहुंचना है आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर में, कि अगर आप लेट होंगे तो आप पैनिक करेंगे। और इतने गर्मी में अगर हो सके, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे कोलीग्स और बैचमेट्स का एक्सपीरियंस रहा है, वो ये रहा है कि अगर आपके पास कार है या फिर ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप ढक के जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक में ऐसा है कि आपको पूरी हवा लगते हुए आप आएंगे जाएंगे सुबह दोपहर शाम को, सिमिलरली अगर आप ऑटो में हैं या फिर अपने खुद के कार में हैं तो आप थोड़े से प्रोटेक्टेड रहेंगे उन गर्म हवाओं से। तो क्या होता है कि वो जो हवा होती है वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है फिजिकली और मेंटली। आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के पहले ही इतना एग्जर्टेड लगने लगेगा, इतना थका हुआ लगने लगेगा कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में। तो इस 45 डिग्री की जो गर्मी है उसमें आप टाइम पे पहुँचे और हो सके तो एक बंद गाड़ी में पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ID प्रूफ है, इसको अच्छे से कैरी करिए, इसको रीचेक कर लीजिए, एडमिट कार्ड वगैरह सब चेक कर लीजिए, आधार कार्ड में आपकी जो स्पेलिंग है कुछ और है तो वो भी चेक कर लीजिए। क्योंकि होता ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचने के बाद लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनका ID कार्ड रूम में छूट गया है, और वहाँ पर जाने में और आने में जो उनका टेम्परमेंट बिगड़ जाता है, जितना वो हड़बड़ाते हैं, जितना वो घबरा जाते हैं, ID कार्ड ना मिले तो घबरा जाते हैं, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। उसके बाद जब एक बार ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप टाइम पे पहुंच जाएंगे इतने गर्मी में अपने डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड लेके, तो आपको एक कूल डाउन पीरियड चाहिए होता है। क्योंकि होता ये है कि अगर 10 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है तो लगभग 9:45 या 9:50 को आपको मिल जाता है आपका पर्चा, और उसमें आपको OMR भरना पड़ता है। अगर आप रूम लेट आए हैं, आपकी ID कार्ड छूट गई थी, आपको वापस जाना पड़ा है, इन सब चीज़ों के कारण अगर आप आके OMR भरेंगे तो एक तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, और एक बार आपकी OMR में गलती हो गई तो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर होते हैं और जो स्टाफ होता है वो आपको अलग अलग प्रकार से पैनिक करवाएगा और आप खुद भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको काम रहना है और आपको मोमेंटम मिस नहीं करना है। मतलब ये सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और ये सब चीज़ में अगर गलती हो जाती है तो एग्जामिनेशन के पहले ही, क्वेश्चन पेपर खुलने के पहले ही, बिफोर क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका मोमेंटम कम हो जाएगा और आपको कंपटीशन फेस करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए 3 घंटे की स्ट्रैटेजी पे आने के पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके पहले आप अपने बेस्ट माइंडसेट में हो। तो ये सब जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक बार एग्जामिनेशन बिगिन हो गए तो कौन सी चीज़ का ख्याल रखना है। पहला है स्पीड, सिंपल सा माइंडसेट है, स्टार्टिंग से ऐसे स्पीड से लिखिए जैसे लास्ट के 15 मिनट बचे हों। कई लोग होते हैं जो क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें इतने ज़्यादा मोती पिरो देते हैं कि लास्ट के जो 15 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। तो स्पीड का सिंपल सा फंडा है कि आप उसी स्पीड से लिखेंगे जैसे आप लास्ट के 15 मिनट में लिखेंगे। सेक्शन वाइज टाइम मैनेज करना है, जो 75 मार्क का सेक्शन है वो लगभग 1 घंटे 1 घंटे 5 मिनट में कवर हो जाने चाहिए, और जो 45 मिनट का सेक्शन है वो लगभग 45 से 50 मिनट में आपको कवर हो जाना चाहिए। तो ये हो गई स्पीड की बात। उसके बाद परफेक्ट आंसर चेज नहीं करने हैं। माना कि आपको बहुत अच्छे से कोई आंसर आता है, अगर 2 मार्क का आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है तो आपको उसको 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए परफेक्ट आपको आंसर चेज नहीं करने, क्योंकि इसके कारण आपका जो स्पीड है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। परफेक्ट आंसर लिखोगे तो स्लो लिखोगे, स्लो लिखने के बाद क्या होगा कि लास्ट वाले जो क्वेश्चंस में उसमें आपको टाइम कम पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना है हर आंसर को लिखते हुए, आपको देखना है इससे रिलेटेड करंट अफेयर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, इसको मैं कितने प्रकार के सब हेडिंग्स में तोड़ सकता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, कंटेम्प्ररी, डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिकल, तो इस प्रकार के सब हेडिंग्स में तोड़ सकता हूँ। उसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई मैप है, ग्राफ है या फ्लो चार्ट है, क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आंसर में। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना, करंट अफेयर है क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको पहले लाइन में डाल दिए, सब हेडिंग देख लिए, उसको तोड़ दिए अगर 8 मार्क और 15 मार्क का क्वेश्चन है, मैप ग्राफ फ्लो चार्ट है तो उसको अपने पर्टिकुलर आंसर शीट के राइट साइड में बना लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो एग्जामिनेशन बिगिन होने के बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है वो हर किसी के लिए इजी है, इसको मैं जितने अच्छे से हो सके
अपने जो मेरा नेचुरल परफॉर्मेंस लेवल है उसके हिसाब से मैं लिख के निकलूंगा। जो टफ क्वेश्चन है वो हर किसी के लिए टफ है, इसको स्टार्टिंग में मैं छोड़ दूंगा ताकि मेरा मोमेंटम मिस ना हो, और लास्ट में मैं जब सब कुछ पेपर कंप्लीट कर लूँगा या फिर जब मैं सेक्शन कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद मैं वापस आके इसको डूल करूँगा। जो मेन जो गेम होता है वो होता है एवरेज क्वेश्चंस में या ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, जिसकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने लगभग अप्रैल भर करी है। ईजी क्वेश्चन सबके लिए ईजी है, सब बनाएंगे। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ है, बहुत कम लोग बनाएंगे या फिर सब लोग नहीं बनाएंगे। जो एवरेज क्वेश्चन है यहाँ पे पता चलता है एक पर्टिकुलर एग्जामिनर का लेवल क्या है। तो एवरेज क्वेश्चन जिसने ज़्यादा अच्छे लिख लिए वहाँ पे एक एक नंबर दो दो नंबर का फर्क आने लगता है, लास्ट में लगभग पर पेपर वो 5 से 7 मार्क का फर्क होता है, और ओवरऑल आपके मेंस के मेरिट लिस्ट में वो 30 से 35 नंबर का फर्क होता है जो डिसाइड कर सकता है बिटवीन rank 1 से लेकर rank 80 तक। उसके बाद जो एक माइंडसेट आपको ये रखना है कि आपको फेथ रखना है अपने हार्डवर्क में। देखो 3 साल 3.5 साल आप लोग जमाई नहीं मार रहे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, आपने दर दर भटके हो, आप नदी पहाड़ क्लासरूम क्लासरूम के बाहर रूम के अंदर रूम के बाहर हर जगह पड़े हो, तो ये जो आपका हार्डवर्क है वो माँ सरस्वती वेस्ट नहीं जाने देगी और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कुछ भी हो जाए एग्जामिनेशन में आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होंगे तो बियर ग्रिल्स जो उनका हमेशा ये कहना होता है कि आपको हमेशा काम रहना है। जब कोई आदमी जंगल में फंसा होता है तो उसके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है अगर वो पैनिक करेगा तो ऐसे टाइम पे आप गलत डिसीजन लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टफ है तो हर कोई यही फेस कर रहा होगा, आई हैव पुट इन द एफर्ट, आपको यही याद दिलाना है कि आपने मेहनत कर चुकी है, कर लिया है और आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट, इट्स ओके अगर चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं जा रही है, आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जो सेक्शन 1 है वो आपका 1 घंटे में कवर होना चाहिए था, लेकिन 1 आवर और 15 मिनट्स लग गए आपको पेपर 1 कवर करते हुए। ठीक है, आप मॉक टेस्ट में हमेशा 1 घंटे में कवर कर लेते थे लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको 15 मिनट ज़्यादा लग गए। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है, आपको करना है एडजस्ट। एडजस्ट कैसे करना है कि अब जो है ना जो पार्ट 2 आएगा 50 मार्क वाला जो सेक्शन है उसको मैं 40 मिनट में ही कवर कर लूँगा, ताकि 1 घंटा 2 घंटे 5 मिनट में मेरा कवर हो जाए, और जो आखिरी सेक्शन है उसको मैं 55 मिनट में करने की कोशिश करूँगा। तो आपको एडजस्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, एडजस्ट करना है। जो इजी क्वेश्चन है सबके लिए इजी है, जो टफ़ क्वेश्चन है सबके लिए टफ है। एवरेज क्वेश्चंस में नंबर उठाएंगे, अपने मेहनत पे भरोसा करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे और लास्ट में एडजस्ट करेंगे अगर कुछ भी चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती है तो। उसके बाद डीलिंग विद बिग क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं यहीं पे आप गेम जीतोगे, क्योंकि अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको अगर 11 मिले हैं और किसी को अगर 9 मिल गया है या 8 मिल गया है तो ये जो 3 मार्क का डिफरेंस है ये 2 मार्कर क्वेश्चन से आप नहीं ढाक सकते हो। ठीक है, तो आपको रियलाइज़ करना है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 15 मार्क के क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर डीलिंग विद जो बिग क्वेश्चन उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगी उसके लास्ट में ब्लैंक पेजेस होंगे, वहाँ पर आपको रफ वर्क या फिर डायमेंशंस आपको खोल के देखने हैं। आपको क्या करना है कि आपको तुरंत आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है इन बड़े क्वेश्चन का, स्पेशली अगर 8, 10 और 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये करना है कि आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक थोड़ा सा सोचना है कि मेरे पास क्या क्या रिलेटेड कंटेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद बैक ऑफ द आंसर में एक रफ फ्रेमवर्क तैयार करेंगे आप, उसके डायमेंशन स्प्लिट करेंगे जितना आप कर सकते हैं, मैप होगा तो मैप बनाएंगे जिस प्रकार से जो भी बन रहा है, और एक एक विजुअलाइज कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर 15 मार्क का आंसर मेरा इस प्रकार से आना चाहिए और उसके बाद आप करेंगे। ये एक सिंगल थॉट है जो मेरे एक पर्टिकुलर भैया ने मुझे बताया था कि होल्ड, आपको अपना आंसर रुक के मारना है। उन्होंने मुझे सीधा ये बोला था कि नीर 8, 10 और 15 में ना रुक के कलम चलाना है, थोड़ा सा देख ले किस प्रकार से चीज़ें आती हैं। तो वो मैंने फॉलो किया और वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और यही सेम टिप मेरे लिए वर्क करी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी बिग क्वेश्चन आएगा 8, 10 और 15 मार्क्स का, तो थोड़ा सा रुक के 30-45 सेकेंड रुक के डायमेंशन कलेक्ट करके उसका एक रफ फ्रेमवर्क माइंड में तैयार करके या फिर आंसर बुकलेट के पीछे तैयार करके आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद जो विजुअल टिप्स है वो ये है कि प्रेजेंटेशन मेंटेन करिए। फॉर एग्जांपल जो सिमेट्री बताता था मैं, कोई भी अगर आप मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के कोई पॉइंट लग रहे हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन करिए। ठीक है, मेंटेन करिए अपने प्रेजेंटेशन को, अंडरलाइन करिए, और एक नीट एंड क्लीन पेपर हमेशा ज़्यादा अच्छा दिखता है।
मेरे आप जितने आंसर बुकलेट्स देखेंगे टेलीग्राम चैनल में वो मोर और लेस नीट एंड क्लीन दिखेंगे। आप अपने लाइफ में जितने भी अनसिस्टमैटिक हो, जितने भी अनटाइड हो, आपका रूम बिखरा पड़ा रहता हो, लेकिन आंसर शीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन आंसर शीट, अंडरलाइंड आंसर शीट, ऐसे आंसर्स जो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड हैं, ये डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं कंपेयर टू अ वेरी बैड प्रेजेंटेशन अनटाइडी पेपर विद द सेम कंटेंट। अगर मुझे सेम कंटेंट आता है और सामने वाले का सेम कंटेंट आता है, मैंने हौशपश करके ठूस दिया अपने आंसर को और सामने वाले ने बहुत अच्छे से सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा है, तो सामने वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये आप मान के चलिए। तो आप जितना हो सके उस स्पीड लिमिट के साथ प्रेजेंटेशन मेंटेन करिए, अंडरलाइन करते चलिए और नीट एंड क्लीन पेपर देने पे फोकस करिए। उसके बाद पोस्ट पेपर एडवाइस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो ये है कि आपको एक बार पेपर हो गया तो उसको डिस्कस नहीं करना है। फ़ोन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपने दोस्तों को कि भाई तेरा कैसे गया, मेरा कैसे गया। आपको डिस्कस नहीं करना है पेपर को, उस पेपर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, अच्छा गया हो खराब गया हो, उसको एग्जामिनेशन हॉल में ही छोड़ के आइए। फोकस करना है नेक्स्ट पेपर पे। और एक चीज़, अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ ना, तो एक चीज़ आपको एक वॉरियर माइंडसेट ये रखना है कि मेरे पास 6 और पेपर है कंपनसेट करने के लिए। अगर मेरा पेपर 3 बिगड़ गया है तो मैं पेपर 4 में नंबर खींचूंगा, पेपर 3 और 4 एवरेज गए हैं तो हो सकता है पेपर 6 में एक्सेप्शनली हाई मार्क्स आ जाए। अगर मेरा मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो हो सकता है मेरा लैंग्वेज पेपर जो है जो बहुत अच्छा गया है वहाँ पे 5-10 नंबर जो है वो कंपनसेट कर लेगा एक दूसरे को। तो आपको एक वॉरियर मेंटालिटी रखनी है और ये हमेशा अपने आपको याद दिलाते रहना है कि मेरे पास आगे और भी मौके आएंगे इस पर्टिकुलर गलती को सुधारने के। अगर मेंस में स्कोर कम भी आता है ना, तो एक बार इंटरव्यू पहुंच गया तो इंटरव्यू में 110-115 ला के मैं कंपनसेट कर लूँगा अपने मेंस के जो मार्क्स हैं, रिटर्न के जो मार्क्स हैं। एकदम हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट का खेल है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। आपको ये हमेशा याद रखना है कि किस प्रकार से आपने स्टार्ट किया है। 3-4 साल आपने दिन रात एक ही चीज़ का सपना देखा है और एक ही सुबह से लेके शाम तक, आँख खोलते से लेके आँख बंद करते तक रात को, आपका हर एफर्ट, आपका हर मोमेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तरफ गया है। और ऊपर एक हायर पावर होती है, एक माँ सरस्वती होती हैं जो आपको रिवॉर्ड करेंगी आपके हार्डवर्क के लिए। आपको अपना माइंडसेट बना के रखना है। और जितनी मैंने एडवाइस दी है बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है। मेंटल कंपोजर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आप पैनिक नहीं कर रहे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, ये मान के चलिए। आशा करता हूँ कि ये जितनी भी प्रैक्टिकल टिप्स है जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, जो मुझे काम आए, वो आपको भी काम आएंगे। और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन सीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और मेरे जो थोड़े से लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और सब चीज़ अच्छा ही होगा। मेहनत करने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है। पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। इजाज़त लेंगे आपसे, जय हिंद।